a writer, poet, anchor, actor, and a voiceover artist. And thank you, that was not expected. Thank you so much. मैं दिल्ली से हूँ, मैं मुंबई में काम करती हूँ. मैंने बहुत सारे स्टेज शोज होस्ट किए हैं. दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन पुरुलिया. अब हमारे इतने स्पेशल इवेंट पर आए हैं अपना इतना सारा टाइम देकर. गाइस अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए. ये एक पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग शो है ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली थैंक्स टू मंच एंड कॉमेडी मंच. मतलब अब तालियां बार बार बजेंगे. आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए. जब एक बच्चा टीवी पे रियलिटी शो देख रहा है, अपने स्टार को सामने परफॉर्म करते हुए देख रहा है, उनको लगता है मुझे तो इनके जैसा बनना है. तो कोई मैसेज है जो आप पेरेंट्स की तरफ से ऐसे बच्चों को देना चाहते हैं? बहुत सारे उस्तादों से सीख चुके हैं, अभी बहुत लोगों को सिखा रहे हैं नज़में और गज़लें और तरन्नुम. मतलब जो आप सोच सकते हैं सभी ये करते हैं. और हर महीने के पहले सैटरडे का सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं जहाँ पे देवरूप कहेंगे इरशाद. गाइस देवरूप शर्मा फॉर यू. थैंक यू सो मच. आई लव द जोश इन दिस ऑडियंस. थैंक यू गाइस. आप लोग डेफिनेटली बहुत थैंक यू सो मच. दिनेश पंडल सर जिनको आप बहुत याद से राम सर कहते हैं, राम सर प्लीज स्टेज पर आ जाइए. इतनी मेहनत आपने इसके लिए की है, प्लीज से समथिंग अबाउट इट. पब्लिक के रिएक्शन को हम देख ही चुके हैं, चाहे रियलिटी शो की बात करें, यहाँ बैठी जनता की बात करें. जब कहीं जब आप अपना एक्ट फोटोग्राफ करते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? इतनी दूर मैं आई हूँ, इतने सारे लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, मम्मियाँ भी कर रही हैं, मैं भी डांस कर सकती और बहुत सारे स्टाइल्स इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, सीखना चाहते थे. ही इज द मैन. थैंक यू.